नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नगर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बलरामपुर जिले में लोकसभा चुनाव तीसरे चरण में होने हैं, ऐसे में सरगुजा लोकसभा सीट के कांग्रेस सांसद प्रत्याशी शशि सिंह डोर टू डोर जनसंपर्क के लिए कुसमी पहुंचे, जहां आम लोगों के साथ व्यवसायियों से मिलकर अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील की। साथ ही लोगों से कहा, कांग्रेस जो कहती है वह करती है, सरकार बनती है महिलाओं के खाते में सालाना 1,00,000 रुपए देने का काम करेंगे। दरअसल सरगुजा लोकसभा सीट पर तीसरे चरण के 6 मई को मतदान होने हैं, जिसकी तैयारी में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लोगों से डोर टू डोर मिलकर लोगों को साधने में जुटे हैं। इसी के तहत कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह कुसमी पहुंचे, जहां आम लोगों के साथ व्यवसायियों से डोर टू डोर मिलकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गौड समुदाय से आती हूँ और हमारे संसदीय क्षेत्र में हमारे समुदाय के संख्या बहुताय है, मुझे सभी समुदाय का समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से हम इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अभी कहा, कांग्रेस जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के साथ महिलाओं को सालाना 1,00,000 रुपए देने की बात कही है, उसे सरकार बनते ही तत्काल करेंगे। कांग्रेस जो कहती है वह करती है, भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता फील्ड में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम पूरे राजनीति रणनीति के साथ फील्ड पर जा रहे हैं और भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए जीतेंगे। आज देखिए, हम कुसमी के डोर टू डोर में जाके प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार कर रहे हैं। लोगों का अपार आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हर एक गांव तक पहुंचे, हर एक जन से मिलकर अपना प्रचार करें, ताकि हमें लोग आशीर्वाद दें और इस बार कांग्रेस को विजय दें। जी बिल्कुल, मैं गौर समाज की हूँ, मेरा समाज मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है और उनका प्यार है मेरे लिए और हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। मुझे लगता है गौर समाज तो साथ में ही है, साथ साथ में कई समाज है जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, महिलाओं के लिए 1,00,000 की जो घोषणा की गई है, हर महीने उनको 8,333 सालाना 1,00,000 रुपए देने कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया, जरूर ये जन जन तक जाएगी और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। आप लोग तो देखिएगा, हमारी सरकार बनते ही सारी महिलाओं के खाते में पैसे जाने वाले। बलरामपुर जिले यहाँ का मुद्दा है बेरोजगारी और इस देश का मुद्दा है बेरोजगारी। इस बेरोजगारी को हटाने की लड़ाई में ही मैं आगे आना चाहूंगी। हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा भी किया है कि हर शिक्षित युवा को रोजगार देंगे, तो हम इस पर काम जरूर करेंगे। कुछ रणनीति जी, वो अपनी तरह से लड़ रहे हैं और हम अपनी तरह से लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है जितना मेहनत हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम जगह जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं, मुझे नहीं लगता भाजपा के ऐसे कोई कार्यकर्ता या नेता कर रहे हैं। उनको तो टक्कर बिल्कुल देंगे और हम बेहतर करेंगे और जीतेंगे।